Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for the month of November आपका जो ये week है इसमें आपके लिए क्या fortune आ रहा है कितना luck आपके साथ होगा आपकी love life या आपके career के अंदर क्या move आ सकते हैं okay so what are the opportunities are coming and what kind of the alertness are also coming जिनको देखकर आप अभी अपने week को एक अच्छा successful week बना सकते हैं so आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है है और क्या है इस चीज के लिए आपको आगे डिसीजन लेके आगे बढ़ना है हम टैरो की मदद से आपके लिए जानेंगे सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं इफ यू आर न्यू टू माय चैनल आप मेरी रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो दिस इज लाइक ब्लेसिंग फ्रॉम योर साइड टू मी आपकी तरफ से एक लव और ब्लेसिंग्स होंगी मेरे लिए और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो की गाइडेंस और यू you नो know, वीकली रीडिंग और फ्री लाइव रीडिंग्स को जानना चाहते हैं अपने लिए आप एक मैसेज लेना चाहते हैं टैरो का सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए मेरा इंस्टाग्राम आई स्क्रीन पर अवेलेबल है आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग एज़ वेल सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे करा सकते हैं उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना होगा और मुझे डायरेक्ट मैसेज करना होगा ओके सो नाउ विथ गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग हेलो एरीज सो फर्स्टली लेट्स सी की व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा और इस वीक में आपके लिए कितना लक फैक्टर आपके लिए वर्क कर रहा है सो नाउ लेट्स सी ऑलरेडी दिज कार्ड्स आर ऑलरेडी फ्लिपिंग अप सो लेट मी चेक वन मोर और राइट सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू लेट यू नो एरीज आपके लिए फायर साइन आ चुका है ठीक है एज पर दस ऑफ वर्ंडस सम वेर योर एनर्जी विल बी गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव इन दिस वीक ठीक है आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट फील नहीं करेंगे आपके अंदर एक यू uh, नो you know, एक पैशनेट एनर्जी रहेगी आप एक्टिव रहेंगे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी ये वीक आपके लिए एक तरीके से एक यू नो पॉजिटिव वेव्स लेकर आएगा आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे वो दिवाली की डेकोरेशन हो या अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना हो या अपने फ्रेंड सर्कल में जाना हो या इवन अपने प्रोफेशनल वर्क को करना हो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए फुल पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक वीक होगा ठीक है एंड इसके साथ साथ आपके लिए कहीं ना कहीं यू नो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम कि आप uh, उनसे कनेक्ट हैं उनसे बातें करें उनसे आपकी मीटिंग हो या आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए कहीं ना कहीं आपसे बहुत आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी सो so, कहीं ना कहीं आप अपने अपने पूरे सर्कल में आप अपने पूरे कलीग्स फ्रेंड जोन फ्रेंड्स और फैमिली आप अपने आप में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में एम्बियंस में रहेंगे इस वीक में ओके okay. इसके साथ साथ सिक्स ऑफ कप मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर अभी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन का बात का सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आपके पास्ट कनेक्शन जिनसे भी है अगर आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप वेट कर रहे हैं सो उनका होगा आपसे कम्युनिकेशन गिफ्ट्स भी आपको बहुत मिलने वाले हैं एरीज ठीक है और इसके साथ साथ हो सकता है कि जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले आप उनसे इस वीक में मिलेंगे बातें करेंगे कही कहीं ना कहीं लव इमोशंस आपकी तरफ आ रहे हैं सो so, यहाँ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पास्ट कनेक्शन आपके कोई एक्स या फिर आप जिनसे अभी तक नहीं मिले बट यू आर रियली वेटिंग फॉर समवन वो आपको मिलेंगे इस वीक में ठीक है सो so, कही कहीं ना कहीं गेट टुगेदर हैप्पीनेस और काफ़ी वीक बहुत ही इमोशनल वीक लग रहा है यहाँ पर फायर साइन आया है यहाँ पर वाटर साइन आया है अनदर इज़ द हाई प्रस्टेस सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग आप इन बिटवीन है किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं कहीं ना कहीं यू नो यू आर लुकिंग फॉर सम सोल्यूशंस सो यहाँ आपके लिए मैसेज है अपनी इंट्यूशन बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं एरीज और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं इस टाइम पर जैसी आपकी इंट्यूशंस हो रही हैं उसी वे में ही चीज़ें होंगी सो यू आर ऑन द राइट पाथ ठीक है सो so प्योरिटी है आपके मन में और यहाँ एज पर दाइपर स्टेज हेयर आई कैन सी टू यू कि आपकी जो लीगल इशू है कोई या फिर कोई प्रोजेक्ट अनडन है या फिर किसी चीज़ के लिए आप अभी वेट कर रहे थे जो इन मीन्स यू नो इन बिटवीन है आपके लिए कहीं ना कहीं से हैप्पीनेस क्लियरिटी एंड कंप्लीशन तीनों चीज़ों के कार्ड्स आ रहे हैं ओके सो so यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपको बताते हुए हाई प्रस्टेस आपको बता रहा है मोर पावर टुवर्ड्स यू आपको बहुत पावर मिलने वाली है आपको प्रमोशन या फिर कुछ ना कुछ गेन, गिफ्ट शेयर्स यू नो एनीथिंग, समथिंग मुझे ऐसा लगता है लग रहा है कि इन रिटर्न यू विल गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ थिंग्स ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज समवेयर आई कैन से टू यू आपके आपके कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं सो so, यहाँ पर वाइफ्स भी दे रहे हैं आपको पॉजिटिव वाइव्स सो आई कैन से टू यू दिस वीक का जो आपका मंत्रा होगा एज़ पर द टैरो आपके लिए मैसेज है बैलेंस योर इमोशंस और इस वीक को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ ही स्पेंड करें ओके सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड विशिंग अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक बाय हाई टॉरेस सो नाओ लेट सी वॉट इज़ कमिंग फॉर यू सो ये वीक आपके लिए कितना स्पेशल रहने वाला है और इस वीक के लिए आपके लिए लक फैक्टर कितना अच्छा है और इसके साथ साथ आप ओके इट्स ऑलरेडी फ्लिपड अप एंड आपके इस वीक के लिए क्या मंत्रा है टैरों की तरफ से सो लेट सी ओके सो फर्स्टली दिस इज मैजिशियन वाह four of cup and queen of sword so here i can say विद दिस द मैजिशियन टॉरस आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि कहीं ना कहीं इस वीक आपके लिए एक विक्ट्री वीक होगा ठीक है विनिंग वीक होगा आप अपने करियर में आप अपने किसी भी एजुकेशन किसी भी फील्ड में जहां अगर आपने कोई आपका यू नो एग्ज़ाम और हेयर आई कैन से या फिर आपका कोई इंटरव्यू है या आप अपने अपने ही फील्ड में अपने ही ऑफिस में यू नो ऑल कार्ड्स आर गिविंग यू द मैसेज ओवरऑल ऑल दीज कार्ड्स एंड द मैजिशियन कि आप विन करेंगे विक्ट्री आपकी तरफ है आपके फेवर में है सो so, यहां आपका लक फैक्टर आपकी डेस्टिनी बहुत सपोर्ट में है इस वीक में ओके okay, और कहीं ना कहीं आप इस टाइम को बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल वे में यूटिलाइज करेंगे ठीक है सो so, टॉरस क्वाइट गुड न्यूज़ फॉर यू इसके साथ साथ फोर ऑफ कप सो समवेयर फॉर वॉट थिंग्स जो आपके डिज़ायरेशंस अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई हैं और जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं डेस्परेटली तो वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल होंगी इस वीक में ठीक है काफ़ी सारी विशेज हैं जिनको आप अभी यू नो कंट्रोल करके बैठे हैं इधर यू आर वेटिंग की हॉलीडे पर ही करेंगे या फिर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि वो चीज़ हो जाएगी तो मैं फिर आगे की कुछ प्लानिंग करूँगा या करूँगी सो so यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये स एंजल्स आर रेडी टू गिव यू दैट डिजायरेशन एंड दैप्पीनेस ठीक है इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नहीं है सो दिस इज समथिंग द टाइम इज की यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू विद द स्टॉक्स रिलेशनशिप ठीक है स्ट्रगल आपने कर लिया है सो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसजन एंड मूव फर्दर ओके सो अब बहुत ज़्यादा वेट करना अब ज़्यादा ये सोचना कि कुछ अच्छा होगा और ये इतना ज़्यादा आपके फेवर में नहीं रहेगा ओके सो दिस इज़ नॉट कमिंग फॉर योर रिलेशनशिप एंड द अनदर वन इज इट इज़ लाइक क्वीन ऑफ सॉड ओके सो दिस इज ऑल्सो कमिंग यू द मैसेज कि आपके हाथ में पावर आने वाली है अपॉर्चुनिटी आई एम फीलिंग सो यू विल गोइंग टू गेट द यू नो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन विच आप उसमें मेन लीड रहेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंस है आप बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप में ही यू you नो know, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है कि कुछ चीजों में आप डिसीजंस लेके आगे बढ़ें ओके दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसजंस इंस्टेड ऑफ दिस की आप वेट कर रहे हैं कि कब ज़्यादा चीजें अपने आप ठीक हो जाएं ओके सो द मैसेज इज कमिंग हेयर डेस्टिनी इज़ विद यू यू नीड टू टेक द एक्शंस ओके एक्शंस तो आपको लेना होगा कर्मा पे बिलीव करना होगा आपको कर, करना होगा ठीक है सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू टॉरस सो ओवरऑल विद ऑल थ्री कार्ड्स आई कैन से टू यू आपके लिए जो इस वीक का जो मंत्र है वो ये है कि यू नीड टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड ओके आपको ही अपने आप स्टेप लेना होगा अदर्स विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओके सो यू नीड टू टेक द लीड हेयर पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू टेक दिस स्टैंड एंड मूव फर्दर मैन विमेन ऑल ऑफ दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो सो आप टॉरस आप दोनों के लिए ही यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस तरीके से जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि वेन द थिंग्स विल गोइंग टू बी चेंज इज़ नॉट योर थिंग्स विल नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर ओके आपको अपने आप ही चीज़ों को बदलना होगा सो दिस इज़ ऑल फॉर यू विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो एंड इट्स रेजुनेट विद यू सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो जस्ट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका लक आपके साथ रहेगा ओके सो बाय टेक केयर हैलो जैम नाइट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड Thank you so much for joining me every week for this horoscope. So now let's see. RKD kitna zada beneficial hai already. This card is come up. So and this is also. So now let's see. It's already up for you. So the king of wands. टू ऑफ सॉर्ड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स सो जेमे फर्स्टली आई वॉन्ट टू लेट यू नो आपकी काफ़ी सारी डिज़ायरेशंस इस वीक में पूरी होंगी जो आपके मन में हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन की हो या तो एक वर्क लाइफ में ठीक है या आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है वो कंफर्मेशन आपको इस वीक में मिल जाएगा ओके okay, और कहीं ना कहीं आपके फेवर में इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि यू यू विल गोइंग टू टेक द डिसीज़न आप डिसाइड करेंगी कि यू वॉन्ट टू मूव फर्दर और नॉट सो थिंग्स आर इन दिस वे कि आपके लिए लक फैक्टर बहुत वर्क कर रहा है आपकी डेस्टिनी इस वीक में आपके सपोर्ट में है ओके okay. और कहीं ना कहीं आपको यू you नो know... एक जो रिलेशनशिप में कन्फर्मिटी रिलेशनशिप में यस yes, या रिलेशनशिप में आगे के लिए होप आपको इस वीक में ज़रूर मिलेगी ओके okay? सो so, इसके साथ साथ आपके लिए आया है टू ऑफ सॉट आपके लिए मैसेज है अगर आप दो चीज़ों के बीच में बहुत डिस्टर्ब हैं यू आर जस्ट इन बिटवीन की आप इधर फॉरवर्ड हों या फिर इसको फॉलो करें कहीं ना कहीं आप अभी डिसीजनस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं ओके यू आर नॉट यू नो गेटिंग द वाइफ्स कि आपको किधर जाना है सो so, यहाँ दो चीज़ों के बीच में जो स्टक हो रखे हैं उसके लिए मैसेज है यू जस्ट नीड टू लुक फर्दर कि आपके लिए इंटरनल आपके लिए क्या बेनिफिशियल है ओके okay? सो so, आपकी इनवर्ड लाइक यू नो योर इंट्यूशंस वॉट दे आर सेंग अपने इंट्यूशन बेस पर आप डिसीज़न लीजिए इंस्टीड ऑफ दिस कि आप वेट कर रहे हैं या आप यू you नो know, और लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सो so, डिसीजन तो लेना होगा और पीस और हैप्पीनेस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ओके इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजन ऑल राइट एंड इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है थ्री ऑफ पेंटिकल्स सो थ्री ऑफ पेंटिकल इज़ गिविंग यू द मैसेज अबाउट वन थिंग कि कहीं ना कहीं यू नो अभी आपके लिए एक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड और अकेले ही आगे बढ़ना ओके सो टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रहा है सो so, ज़्यादा ज़्यादा आप अगर टीम के साथ रहेंगे एक एक साथ जुट होकर वर्क करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन पार्टनरशिप सो वो बेटर है ऑल right. और अगर आपको रिलेशनशिप में कहीं पर कुछ ना कुछ एफर्ट्स यू नो यू आर फीलिंग सो डिप्रेस और नॉट सो होपफुल अबाउट योर रिलेशनशिप सो समवेयर आई एम गेटिंग द वाइफ्स कि आपको अपने पार्टनर की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस वीक में पता चलेगा आई एम हैविंग दिस वाइफ की यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है ओके सो समवेयर विज ऑल दीज थ्री कार्ड्स जेमेनाइन दिस वीक मंथ राय इज़ कमिंग फॉर यू आपकी ओन विल योर ओन विश ओके योर विश योर विल वो क्या है वो इंपॉर्टेंट है इंस्टीड ऑफ दिस की सोसाइटी क्या कहती है इंस्टीड ऑफ़ दिस की यू um, नो you know? कि आपकी आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको पीस और हैप्पीनेस किस चीज़ में मिलती है यू नीड टू फॉलो दैट थिंग ओके सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू जेम आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो आपको आपका लक आपके साथ रहेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे सो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू ओके सो दिस इज़ ऑल विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस सी यू अगेन बाय टेक केयर हाई कैंड सर आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड नाउ लेट सी वॉट इज कमिंग फॉर दिस वीक आपके लिए क्या मैसेज है क्या मंत्र है इस वीक के लिए और आपके लिए स्पेशली क्या गाइडेंस आ रही है ओके सो इट्स अ फेस्टिव वीक सो लेट सी वॉट इज बेस्ट इज कमिंग फॉर यू देंगमैन किंग ऑफ सॉट एंड द नाइट ऑफ वॉन्स ओके सो डोंट फील लाइक कि ये रिवर्स में आया है मैं रिवर्स में रीडिंग नहीं कर रही हूँ सो लेट सी वॉट इज कमिंग फॉर यू और सो द हैंग मैन फर्स्टली सो so, कैंसर सबसे पहले मैं आपके लिए बोल देती हूँ कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को लेके बीच में स्टक फील कर रहे हैं और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टकनेस एक्चुअली यू आर सो कैपेबल टू डू गुड थिंग्स और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं ज़्यादा इंस्टीड ऑफ डूइंग ओके सो आपके लिए मैसेज है इस वीक में आप एक्शन लीजिए इंस्टीड ऑफ की ओवर थिंकिंग एंड यू नो पोस्टपोनिंग आर लॉट्स ऑफ थिंग सो आपको कहीं ना कहीं इस वीक में आगे एक्शन लेना चाहिए अदरवाइज आप इसको सोच सोच के सोच सोच के इस कैसी प्रोजेक्ट को आगे की फ्यूचर प्लानिंग को या आप अपने किसी रिलेशनशिप को यहीं पर बहुत ज़्यादा उसको यू um, नो you know, एक बैड कंडीशन में रख दें ओके सो समवे द मैसेज इज कमिंग फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड एंड टेक द एक्शन इंस्टीड ऑफ जस्ट थिंकिंग यू कैन सी यू कैन सी द एनलाइटमेंट ओके दिस इज़ सो योर माइंड इज़ सो गुड यू आर यू नो यू आर अइंड ऑफ पर्सन जो अपने लिए डिसीजन्स लेना जानते हैं सो so, इस टाइम पर आपको इतनी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इंस्टीड ठीक है और आगे बढ़ना चाहिए सो टेक द एक्शंस ओके अपार्ट फ्रॉम दिस द किंग ऑफ सॉड समेयर आई एम गेटिंग आपके लिए थोड़ा सा आपका वर्क लाइफ काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाला है हो सकता है कि कुछ और नए रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर आपको देखने को मिले सो so, आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं वो रूल्स रेगुलेशन जो हैं जो आपके लिए फॉलो करने को आ रहे हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा और इफ़ यू विल गोइंग तो टू फॉलो दैम वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ठीक है इंस्टीड ऑफ दिस की आप ये सोचें कि ये एक रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको उनको इस वे में देखना चाहिए कि वो आपके लिए क्या बे, बेस्ट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी ला रही हैं ओके एंड अगर आप इस टाइम पर अपनी लाइफ में यू नो यू आर जस्ट इन बिटवीन और आप किसी चीज़ों को लेके बहुत परेशान हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है विद ऑल दिस कार्ड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नाइट ऑफ योर एनर्जी इज़ लुकिंग सो डिस्टर्ब सो इस वीक के लिए आपके लिए मैसेज है एक्शन और आपको डिसीजंस लेने होंगे और आप इसको ज़रूर लीजिए ठीक है क्योंकि ये वीक आपके लिए एक रेस्टिंग वीक हो सकता है जिसके अंदर आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं ओके सो किंग ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग यू द मैसेज बेटर है कि आप लॉजिकली सोच के आगे बढ़ें इंस्टीड ऑफ बाय योर हार्ट ठीक है सो so यहाँ पर आपके लिए जो मंत्र आ रहा है इस वीक के लिए वो है आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही है वो कभी एक चीज़ के पास है कभी कहीं और सोच रही है कभी कुछ और प्लान कर रही है सो so अपने हार्ट को फॉलो मत कीजिए इस वीक में आपको लॉजिकली ही डिसीज़न लेना होगा द मोर यू विल बी लॉजिकल इन दिस वीक द मोर यू विल बी एट अ बेटर प्लेस ओके सो कैंसर दिस इज़ ऑल फॉर यू आई होप दिस रीडिंग रेजुनेट आपका लक फैक्टर अगर मैं देखूं आपकी डेस्टिनी देखूं सो इस टाइम आपके लिए लक फैक्टर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए मैटर है कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं बाय योर माइंड ओके बाय योर एक्सपीरियंस ऑल राइट सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो दिस विल गोइंग टू गिव यू अ गुड फॉर्चून आपको लक आपके साथ होगा और दिस इज़ ऑल फॉर माई साइड एंड विशिंग अ वेरी गुड लक बाय टेक केयर हाई लियो आई होप यू ऑल आर doing well. सो नाओ लेट सी वॉट इज कमिंग फॉर दिस वीक आपके लिए क्या मैसेज है और आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा इस वीक के लिए और वैसे भी फेस्टिव वीक है सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू स्पेशली फॉर लियो ओके सो फर्स्टली दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल अमेजिंग द सन वाओ एंड द स्टार ओके सो लियो सबसे पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ आपका लक फैक्टर ही कि आपके साथ डेस्टिनी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपकी डेस्टिनी इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी ठीक है योर लक फैक्टर इज़ विद यू आपके साथ हंड्रेड परसेंट लक आपका आपके साथ है जिस भी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल उसमें अफर्ट्स डाले हुए हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है या कोई जॉब के लिए वेट कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं लाइफ में जिस भी मे बी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए वेट कर रहे हैं दिस विल गोइंग तो टू बी इन योर फेवर आपके सपोर्ट में रहेगा लियो ठीक है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है आप एज ए पर्सन आप बहुत ज़्यादा अपने आप सेल्फ यू नो क्रिएशन में बिलीव रखते हैं खुद क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए और इट कुड बी फ्रॉम ज़ीरो एंड वर्ड्स आप अपने लिए बेनिफिट अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में सो दिस इज़ गोइंग टू बी प्रॉस्पर फॉर यू सन द सेलिब्रेशन इज़ देयर फॉर यू ठीक है आप खुद क्रिएटर हैं अपने लिए और यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है एज पर सन कि ये वीक आपके लिए बहुत सेलिब्रेटिंग रहेगा फैमिली के साथ बहुत स्पेंड करने वाले हैं ऑलरेडी देर अ फेस्टिवल सो डेफिनेटली इसके साथ साथ इस वीक में काफ़ी शॉपिंग यू नो एक तरीके से एक हैप्पी वाइब्स रहनी है आपके आसपास पॉजिटिव रहेंगे आप. आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ भी मिलने वाली हैं बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं वो फिनेंशियल हों या जॉब को लेके हो या रिलेशनशिप के हो मैरिज को भी अगर कुछ चीज़ें होल्ड पर हैं कोई प्रपोजल्स होल्ड पर हैं सो हो सकता है वहाँ से भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ आए ओके एंड द स्टार द स्टार इज गिविंग यू द मैसेज आपको मैंने बताया है कि आपका लक फैक्टर आपके साथ है इसके साथ साथ आपको स्टार बता रहे हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ओके आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा यू नो एंगेज रख रहे हैं मेहनत कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है इस बट अगर आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ दिस इज़ द मंत्रा फॉर यू फॉर दिस वीक क्योंकि आप समझ सकते हैं विद द स्टार एंड द सन आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो योर ओन मेंटल हेल्थ एंड योर फिज़िकल हेल्थ ओवरऑल मैं यहाँ पर दोनों हेल्थ की बात कर रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है सो so, इस वीक को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टिंग वीक बनाएं ठीक है सो so, लियो आपके लिए मंत्रा आ चुका है मेक इट आ रेस्टिंग वीक इंजॉय कीजिए सेलिब्रेट कीजिए और देन अपने अंदर और पॉजिटिव वाइव्स के साथ और ज़्यादा मोटिवेट हो इस वीक को एंड करके आगे फॉरवर्ड होइए ठीक है सो दिस इज ऑल आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ये आपके लक फैक्टर को आपकी डेस्टिनी को आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करेगा आपके लिए फेवर में रहेगा एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस बाय टेक केयर हाई वर्गो सो नाउ लेट सी वॉट इज कमिंग फॉर यू सो आपके इस वीक के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस आ रही है क्या वरी? आपके लिए मंत्र आ रहा है एंड ओवरऑल दिस कार्ड अपने आप आ चुका है और आपके इस वीक के लिए कितना ज़्यादा आपके लिए लक फैक्टर वर्क करेगा ठीक है सो नाउ लेट सी ओके सो नाउ देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फर्स्टली द फूल अमेजिंग द स्टार एंड नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स ओके सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एज पर दी फूल आपके लिए ये वीक बहुत ही ज़्यादा फन लविंग रोमेंटिक वीक होगा मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से मिलेंगे या अपने एक फ्रेंड सर्कल से ठीक है और हो सकता है कि आप इस वीक में दिवाली वीक में एक ट्रैवलिंग भी प्लान करें ओके okay? वो हॉलीडे प्लान हो सकता है या आप दिवाली कहीं और जाके सेलिब्रेट करने वाले हैं इस तरीके से कहीं ना कहीं वर्गो आपके लिए प्लानिंग आ रही है एंड यू आर रेडी टू ट्रैवल ओके सो इट्स अ राइट टाइम फॉर यू एज वेल ओके इसके साथ साथ आपके लिए एज पर द फूल द गाइडेंस इज ऑल्सो कमिंग यू नो अगर आप कुछ नई बिगनिंग करने वाले हैं एक नई तरीके से कुछ चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं सो so यहाँ आपके लिए मैसेज है कि ये जो जर्नी होगी ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगी आपके लिए ठीक है इट्स गोइंग टू बी विद स्ट्रगल एज यू कैन सी ओके ये एक स्ट्रगलिंग होगी लेकिन इसमें आपकी खुशी है इसी रास्ते पे आपको अपनी हैप्पीनेस और लिबरेशन मिलेगा सो जस्ट गो फॉर इट ऑल राइट सो समथिंग आई कैन से अ न्यू बिगनिंग अ न्यू जर्नी इज रेडी फॉर यू एंड वो बहुत केक वॉक नहीं होगी बट आपके लिए उसी पर सक्सेस भी मिलेगी ठीक है सो एज पर द फूल आपके लिए अगर आप सिंगल हैं सो जस्ट यू नो मूव फर्दर आपको कहीं ना कहीं आगे अभी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है अच्छे पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है और इवन इफ़ यू आर यू नो यू आर प्लानिंग समथिंग जहाँ आपने एक नया मूव uh, करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हैं या मैरिज के लिए प्लान करने वाले हैं सो या यस इट इज़ अ राइट टाइम सो फू एज़ पर द फूल आपके लिए वर्गो ये टाइम बहुत ही स्पेशल एंड एक यू you नो know, एक बिल्कुल न्यू वेव की तरह है सो जस्ट गो फॉर इट एंड एन्जॉय आपके लिए इन्जॉयमेंट का कार्ड आया है ओके okay? थोड़ा सा केयर फ्री बनिए आपके लिए वर्गो आपके लिए स्टार है सो so आपका लक फैक्टर आपके साथ है आपकी डेस्टिनी आपके साथ है इसके साथ साथ अपनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी के पैशन जो भी है आपका जिस भी तरीके से आप अपने वर्क लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की क्रिएटिविटी है वो ही आपको हेल्प करेगी इंस्टीड ऑफ दिस की अगर आप यू you नो know, इफ़ यू आर लुकिंग forward, आप किसी और के आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है वर्गो आपको अपना ही कुछ स्टार्टअप करना चाहिए ओके सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर द दिस वीक एंड एज पर दिस स्टार आई वॉन्ट टू लेट यू नो spiritually आपके लिए बहुत हीलिंग आ रही है इस वीक में आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है पीस है ठीक है सेटिस्फैक्शन है सो ये वीक आपका बहुत ही स्मूथ फ्रेंडली और एकदम यू you नो know, एक बहुत ही हैप्पीनेस वे में पास होगा और ये वीक आपके लिए एक मेमोरेबल वीक भी बनेगा ठीक है सो so, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स समवेयर आई एम गेटिंग द मैसेज एज पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आपको अगर आप किसी चीज़ में बीच में स्टक हैं या आप अभी उन चीज़ों के लिए यू नो यू आर जस्ट रेडी टू स्विच यू आर जस्ट रेडी टू क्विट एंड मूव फर्दर या आप अपने वीक इस वीक में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपके लिए कि आप को एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं आपकी अपने वर्क लाइफ में या अपने करियर में या अपने यू you नो know, अपने रिलेशनशिप में एक रिजिडनेस भी आ रही है ओके okay? सो so, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करें या वो अपनी किसी ओ, अपनी किसी चीज में बिजी रहें अपनी फैमिली के साथ ज्यादा बिजी रहें कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं से ब्लॉग आ रहा है इस वीक में ठीक है सो so, ये ब्लॉग आपकी हैप्पीनेस को लेकर थोड़ा सा आपको परेशान करेगा सो so, कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक का जो मंत्र है वो ये है कि योर ओन यू नो ओन हैप्पीनेस इंडिविजुअलिटी अपनी Uh, खुद की सेल्फ केयर और खुद के लिए कुछ करना आगे बढ़ना वो आपके लिए ज़्यादा मैटर कर रहा है आपके लिए तीनों कार्ड ही आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए मैटर कर रहे हैं मैसेज दे रहे हैं सो so, इस वीक में आपको उसी वे में आगे मूव ऑन करना चाहिए ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इससे आपका जो लक है आपका लक फैक्टर जो है आपका जो फॉर्चून है डेस्टिनी आपके सपोर्ट में रहेगी और आई होप दिस रीडिंग रेजनेट विद यू सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड विशिंग यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस बाय टेक केयर हाई लिब्रा आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड नाउ लेट सी आपके लिए ये दिवाली वीक कैसा होगा आपके लिए दिवाली का क्या मैसेज आ रहा है ओके सो नाउ लेट सी आपके लिए इस वीक का मंत्रा भी क्या है ऑलरेडी एक कार्ड तो आपके लिए आ चुका है लिब्रा आई एम फीलिंग सो आपने बहुत ज़्यादा यू नो दूसरों के लिए काम करते हुए दूसरों की हेल्प करते हुए आप थोड़ा थक से गए हैं ओके सो नाउ लेट सी वॉट इज़ कमिंग बेस्ट फॉर यू सो हेयर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सो पॉजिटिव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ़ पेंटिकल्स ओ माई गॉड लिब्रा यू आर सच आ लकी एंड आपका इस वीक का जो लक फैक्टर है डेस्टिनी जो आपके साथ है वो है पूरा टोटली हंड्रेड परसेंट okay? ओके हंड्रेड परसेंट डेस्टिनी आपके साथ है और यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ एज पर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप अपने इस वीक में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे ठीक है मैन विमेन बहुत दोनों के लिए कार्ड है दोनों के लिए ये रीडिंग है और आपके पार्टनर आपके हस्बैंड के लिए भी है कहीं ना कहीं यहाँ आपकी फैमिली की ग्रोथ के लिए कार्ड्स हैं ओके सो लिब्रा आपके लिए क्वीन ऑफ पैंटिकल बता रहा है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो यू विल गोइंग टू गेट दिस सेंस ऑफ स्टेबिलिटी कि जिसमें आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी एक सुकून मिलेगा और आपको या तो कोई जॉब एग्जाम यू you नो know, या कोई प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपकी वर्क लाइफ में आपको कुछ गेन होने वाला है और आपकी अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या प्रपोजल के लिए यू नो एनी थिंग यू आर गोइंग थ्रू विद द मैरिज थिंग आपके वो भी बहुत सपोर्ट में रहेगा सो so, दिस क्वीन ऑफ पैंटिकल इज गिविंग यू दी गाइडेंस एज वेल इस टाइम पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टू गेट द स्टेबिलिटी अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लिए करियर में स्टेबिलिटी अपने लिए ऑनर एंड रेस्पेक्ट इस चीज़ के लिए सोचें जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब ये कार्ड आया था कि कहीं ना कहीं आप अपने दूसरों के लिए सारी चीज़ें करते करते बहुत थक चुके हैं आप ऑलरेडी यू आर डूइंग सो वेल विद फॉर अदर्स और आपने बहुत कुछ उनके लिए किया है ठीक है सो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओके सो नाइन ऑप एंटिकल्स आपको मैसेज दे रहा है कि नाओ दिस इज द राइट टाइम टू डेवलप योर पर्सनैलिटी टू लुक फॉरवर्ड फॉर योर सेल्फ ठीक है अपनी ग्रोथ अपने लिए स्पेस अपने लिए प्लान फ्यूचर के लिए दिस वीक विल गोइंग टू बी इन दिस वे आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो हो सकता है कि आप इस हॉलीडे पे यू you नो know, यू विल बी लाइक दिस कि आप uh, दूर रहें लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप किसी न किसी पर्सन को यहाँ मिस भी करेंगे सो so, ये वीक आपके लिए एक मिसिंग वीक भी होगा इमोशनली क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशन्स आर गोइंग यू नो डाउन सो यहाँ आपके लिए मैसेज है ओवरऑल एज पर द किंग ऑफ पैंटिकल्स एज वेल गिफ्ट्स फॉर्च्यून और मनी यू नो आपका कोई बिजनेस में बेनिफिट कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरऑल इस वीक में ग्रोथ है इस भी वीक में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी ठीक है सो so, वो फाइनेंस को लेके भी बहुत अच्छा आ रहा है और तीनों ही कार्ड बहुत प्रैक्टिकल और फाइनेंस को लेकर आए हैं सो so यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे इस वीक में आपके लिए गाइडेंस है जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आप रहेंगे लॉजिकल सोचेंगे वो बेटर होगा आई नो लिब्रा यू आर सो इमोशनल बींग और इट्स नॉट अबाउट कि आप बहुत इमोशनल हैं तो आप सारी चीज़ें इमोशनली करते हैं नहीं लेकिन आप एक कम्युनिटी सपोर्टर हैं वेल विशर हैं आप लोगों को एक सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ टाइम आ रहा है टाइम टू तो बी इंडिविजुअल ओके टाइम टू तो लुक फॉरवर्ड फॉर योर सेल्फ सो अपने लिए भी आगे ग्रोथ के लिए कुछ आइडियाज़ नए प्लान्स फोकस कीजिए सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू लक फैक्टर आपके साथ रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपका खुद का एक्शन खुद का थाट प्रोसेस बहुत मैटर कर रहा है तीनों कार्ड से मैं आपको बताना चाहती हूँ सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो दिस विल ब्रिंग द लक फैक्टर टूवर्ड्स यू आपकी डेस्टिनी आपके साथ होगी इस वीक और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ लाइक एंड यू नो राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन सी यू अगेन विद अनदर रीडिंग टिल देन टेक केयर बाय हाई स्कॉर्पियो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो नाउ लेट सी वॉट इज कमिंग इन दिस वीक आपके लिए कितना स्पेशल है और क्या लक फैक्टर आ रहा है आपके लिए और इस वीक के लिए क्या मंत्रा होगा ठीक है कितनी डेस्टिनी आपके साथ रहने वाली है ओके सो फर्स्टली ओके स्कॉर्पियो दिस इज लाइक एट ऑफ कप टू ऑफ सॉड एंड फाइव ऑफ कप सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि आपके लिए इस वीक के अंदर आपके लिए एट ऑफ कप है ठीक है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इमोशंस को लेके अगर मैं आपके इमोशंस के लिए बात करूं या आपके डिज़ाइरेशंस की बात करें तो ये वीक आपके लिए सक्सेसफुल वीक नहीं है ठीक है आपको कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों का अपने ही एक्शन जो ले रहे हैं आप उन पर रिग्रेट होगा ठीक है आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यू आर अबाउट टू लीव समथिंग ठीक है आप इस वीक में किसी न किसी जगह से आप दूर जाएंगे और अपने डिज़ायरेशन अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन भी है ठीक है सो द ऑप्शन इज़ ऑल्सो लाइक दिस क्योंकि कहाँ पर भी आपके लिए टेन टू ऑफ सॉर्ड मैसेज दे रहा है फर्स्टली आई वॉन्ट टू लेट यू नो ये वीक आपके लिए कहीं से यू नो लीविंग लिविंग बिहाइंड द पास्ट लिविंग सम पर्सन एंड लिविंग बिहाइंड द जॉब और एनी थिंग यू विल गोइंग टू लीव बिकॉज आपकी वहाँ डिजायरेशन वहाँ हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही है ओके सो इफ़ यू आर इन दिस जोन आप किसी चीज़ को लेके बस वहाँ अपनी तरफ से आप फर्ज़ डाल रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है सो so यहाँ आपके लिए मैसेज है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू तो लीव ओके okay, बिकॉज आपको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके साथ साथ आपके लिए टू ऑफ सॉर्ड है सो so, इस वीक में आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ इज द की अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सो आपके लिए बेटर होगा मतलब कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में आपको अपने ड्रीम्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए मतलब अपने जो विशेज़ हैं जो आपका मन कह रहा है उसको rather than मेटलिस्टिक वर्ल्ड ओके मैं आपके लिए यहाँ पे स्परिचुअल कार्ड आया है अपने इमोशंस को फोकस कीजिए rather than कि आपको मेटलिस्टली कितना गेन होगा सो मेटलिस्टली ज़्यादा आपकी बेटर नहीं आ रही हैं आपके बेनिफिशियल नहीं आ रही है लुक इन वर्ड एंड टेक द डिसीजन ओके क्योंकि कहीं कही ना कहीं तीनों ही कार्ड आपके स्कॉर्पियो आपके लिए यहाँ पर इस वीक में डिसीजन्स लेने के लिए भी आ रहे हैं साथ में आप खुश नहीं हैं ये भी मुझे रिवील हो रहा है और आपने जितनी एफर्ट्स डाले हैं उस बे बेस पर आपके लिए देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ कप आया है कहीं कही ना कहीं आपकी अपनी जो डिज़ायरेशंस हैं और या जो आपने प्लान की थी आप उसमें रिगरेट भी फील कर रहे हैं ओके okay? और हो सकता है कि आपके पार्टनर रिग्रेट करें वन यू विल गोइंग टू लीव ठीक है सो so, आपको चीज़ों को कहीं ना कहीं वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से तो बहुत इमोशंस कम्प्लीट आ रहे हैं वही आपको अब आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं सो so, यह आपके लिए मैसेज है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम के लिए इस वीक के अंदर आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे जिसमें आपको अपने लिए जानना होगा आपकी सोल क्या कह रही है ओके okay? सो so, Overall, this is that week for you. टू यू नो फॉर द हीलिंग ओके एक लोनलीनेस आ रहा है यहाँ पे भी लोनलीनेस आ रहा है और यहाँ पर भी सो so, तीनों कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका लक फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है डेस्टिनी आपके साथ ज़्यादा नहीं है स्कॉर्पियो आपके लिए मैसेज है दिस इज़ द टाइम टू एंड वन फेज एंड गोइंग इन अनदर फेज ओके सो यहाँ डेस्टिनी आपकी वर्क नहीं करेगी यहाँ आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि आप इस फेज से निकलना चाहते हैं या नहीं अगर आप इस फेज से निकले देन ओनली यू विल गोइंग टू फील यू नो लाइक आपको दुख होगा आप इस फेज से निकलेंगे इस वीक में आप थोड़ा हीलिंग करेंगे अपनी और देन यू विल बी वेरी रेडी टू मूव फर्दर सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू स्कॉर्पियो आई होप यू नो दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू आपके लिए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा जो अगर मैं बोलूँ कि मंत्रा क्या आ रहा है सो so, यू नीड टू लुक फॉर योर इंटन आपकी इंट्यूशन क्या कहती हैं उस चीज़ पर डिसीजन्स लीजिए ठीक है अपने डिसीजन अपने इंट्यूशन बेस पर लीजिए सो दिस इज़ ऑल इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इट्स रियली रेजोनेट विद यू सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए इससे आपका लक फैक्टर आपकी डेस्टिनी और गॉड्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी

ये वीक आपके लिए कितना सक्सेसफुल रहेगा हम देख लेते हैं विद दी हेल्प ऑफ टैरो सो टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए सो फर्स्टली नाइन ऑफ कप टेन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ वॉन्ट्स वाओ सो सेजिटेरियस फर्स्टली आई वॉन्ट टू लेट यू नो ओवरऑल विद ऑल दिस कार्ड ये वीक आपके लिए एक सेलिब्रेटिंग एक बहुत ज़्यादा यू नो हैप्पी वीक रहेगा आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि अगर आप यू नो you know, आपकी जो विशेज हैं छोटी छोटे डिजायरेशन हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हो रही थी वो इस वीक में फुलफिल होंगी ठीक है आपके लिए ये एक कुछ सरप्राइजेज भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों को प्लान किया और वो सक्सेसफुल रहें क्योंकि कहीं ना कहीं सेजिटेरियस द वाटर साइन इज़ रूलिंग यू और यहाँ आपके लिए वाटर साइन की ही डोमिनेंसी आई है सो so, कहीं ना कहीं आपकी जो विशेज़ हैं आपकी जो यू नो इफ़ यू आर रेडी फॉर सम एग्जाम या आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं या अपनी फैमिली के पास आने वाले हैं या फैमिली के साथ बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं ये वीक आपके लिए सक्सेसफुल वीक होगा और आपकी डेस्टिनी आपका लक फैक्टर आपके साथ पूरा हंड्रेड परसेंट आपके साथ है ओके सो सजिटेरियस आई एम रियली फीलिंग हैप्पी फॉर यू क्योंकि नाइन ऑफ कप आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है और इसके साथ साथ लाइन नाइन नंबर बहुत लकी होता है हिंदुज़म में सो हेयर आई कैन से इवन इन टैरो सो आपके लिए नंबर भी नाइन बहुत लकी आ रहा है ओके okay, सो so इफ़ आपको यहाँ पर मैं टेन ऑफ शॉर्ट से टेन ऑफ कप से बताना चाहती हूँ आप देख सकते हैं दिस इज़ टोटली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एज वेल अगर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है हो सकता है कि आपके लिए यू you नो know, गुड न्यूज़ बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी और दिवाली सेलिब्रेशन इन सब का मिल एक खुशियाँ मिलें आपको हैप्पीनेस मिले और आप प्लान करें अपनी फैमिली के पास जाने के लिए भी ठीक है सो so, ये वीक आपके लिए सक्सेसफुल वीक होगा अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए आपके लिए यू नो गिफ्ट्स शेयरिंग कुछ बेनिफिट्स मनी और कहीं ना कहीं से जहाँ से आपकी फैमिली उस डिसीजन के बाद बहुत खुश लग रही है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डिसीज़न से आपको कही कहीं ना कहीं ऑफिस में भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फॉर दैट यू विल गोइंग टू फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि आपके प्रोजेक्ट को काफ़ी वैल्यू मिली आपकी वर्क को बहुत क्रेडिट दिया गया इस तरीके से आपको अवार्ड भी मिल सकता है ठीक है एंड क्वीन ऑफ बॉन्ट्स दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड विच इज़ गिविंग यू यू नो काइंड ऑफ अ ग्रेट मैसेज सो सेजिटेरियस आपके लिए एक अच्छी पोजिशन भी आ रही है और अपनी जो डिज़ायरेशंस हैं अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अगर आप कहीं पर एक करियर में आगे मूव करना चाहते हैं या किसी पर्सन को लेके आपकी कुछ वाइब्स हैं कि यू नो ही इज़ नॉट लाइक दिस या शी इज़ लाइक दिस आपकी वो ट्रू हैं इस वीक को अपने इंटूशन के बेस पर ही आपको आगे प्रोसीड करना होगा द मोर यू विल फुलफिल यू नो गोइंग टू फॉलो योर इंट्यूशंस एंड मोर यू विल भी सक्सेसफुल ओके सो अपने इंट्यूशन बेस पर डिसीजन्स लीजिए आगे बढ़िए इस वीक में आपके लिए सक्सेसफुल वीक तो है ही और काफ़ी विन विन सिचुएशन हर चीज़ में आ रही है वो वर्क हो वर्क होलिक है साथ में आपके इमोशनली एंड दिस इज़ योर फैमिली सो समथिंग हेयर आई कैन से आपका जो इस वीक का मंत्र है वो है फॉलो योर इंट्यूशन ओके आई होप दिस रीडिंग रियली रेजुनेट विद यू आप इस वीडियो को लाइक कीजिए आपका लक फैक्टर आपका गुड फॉर्चून एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स विल बी विद यू और इसके साथ साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी रेजोनेट करी सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मिलती हूँ अगेन विद अनदर पिकअप कार रीडिंग टिल देन टेक केयर बाय हाई कैप्रिकॉन सो नाओ लेट सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए लक फैक्टर कितना वर्क करेगा इस वीक में और आपके इस के लिए क्या मंत्र है सो so, देख लेते हैं हम सो फर्स्टली नाइन ऑफ कप अमेजिंग नाइन ऑफ सॉड एंड एट ऑफ सो कैप्रिकॉन फर्स्टली आई वॉन्ट टू लेट यू नो नाइन ऑफ कप से यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाले हैं सेलिब्रेशन है इन्जॉयमेंट है और ये सब मोमेंट्री होगा मीन्स मोमेंट्री टेम्प्रेरी हैप्पीनेस को आप इन्जॉय करेंगे वो फॉर नहीं रहेगा वो हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा बट वो जो टाइम होगा वो जो ट्रैवलिंग होगी वो जो गेट टुगेदर होगा पार्टी होगी या कहीं जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं एनीथिंग आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे सो so, ये वीक आपके लिए बहुत इंजॉयल वीक आ रहा है और इस आ, आपके कैप्रिकॉन और इसके साथ साथ आपके लिए आया है नाइन ऑफ सॉट कहीं ना कहीं आप ओवर बहुत कर रहे हैं आप प्रेजेंट में जीना चाहते हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसर्न में कर रही हैं और आपका फ्यूचर के प्लानिंग की वजह से आप उसमें बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं सो so, कैप्रिकॉन आपके लिए मैसेज है अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए अपने रूटीन को एक नो एक टाइमलाइन दीजिए अपने प्रोजेक्ट्स को सो डैट कि आपको ये स्ट्रेस नहीं रहे क्योंकि मोमेंट्री हैप्पीनेस तो बहुत अच्छी है आपके लिए आ रही हैं लेकिन इनवर्ड इनवर्ड आप अपने आप में ही एक वॉर आपके मन में चल रहा है फाइट आपके मन में चल रहा है अपने आप से ही और आप उसमें खुश नहीं हैं सो दिस वीक इज गिविंग यू द मैसेज अबाउट कि स्ट्रेस रहने वाला है पूरे वीक बट उसको कहीं ना कहीं आप खुद ही नॉर्मलाइज़ कर लेंगे क्यों क्योंकि आपके लिए एटावस भी आया है जो आपको मैसेज दे रहा है कि आपको फ्यूचर की होप फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स आपके आपके आसपास एनर्जी और यू नो काइंड ऑफ रोमांस हैप्पीनेस और फन आपकी तरफ आ रहा है ठीक है एक रियलिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच आपकी तरफ आ रही हैं सो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ में आएंगी ओके okay. सो so, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वीक होगा आपके लिए अगर मैं बोलना चाहूँ लक फैक्टर सो इट्स वर्किंग ए सेवेंटी परसेंट बिकॉज थर्टी परसेंट इज यू हाउ यू आर मैनेजिंग योर वर्क हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस ठीक है सो so, ये वीक तो आपको अपने ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दैट मोमेंट्री यू विल गोइंग टू वी गोइंग टू लव दिस वीक आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करेंगे फोटोग्राफी पेक्स लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अबाउट टू कम फॉर यू सो आई कैन से टू यू द मंत्रा ऑफ दिस वीक इज कि लिव इन दिस मोमेंट चीयर अप, ओके okay. इतना ज़्यादा फ्यूचर के लिए स्ट्रेस नहीं लीजिए rather than दिस कि इस मोमेंट में क्या अच्छा है उस चीज़ को इंजॉय कीजिए दिस इज़ ऑल अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो आपका लक फैक्टर आपका गुड फॉर्चून आपके साथ रहेगा एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो so प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सो so, मिलती हूँ अगेन विद अनदर पिकअप कार रीडिंग टिल देन टेक केयर बाय हाय एक्वेरियस सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर दिस वीक क्या मंत्र आ रहा है लक फैक्टर कितना वर्क करेगा और आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है सो एक्वेरियस फर्स्टली द फूल इज ऑफ सॉ अमेजिंग एंड एट ऑफ पेंटिकल्स वा सो एक्वेरियस सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ ये वीक आपके लिए एक यू uh, नो you know, एक हैप्पी uh, और एडवेंचरस और इसके साथ साथ एक फन लविंग वीक होगा ठीक है ये वीक आपके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल वीक नहीं होगा आपको मुझे लगता है किसी काम की भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी इस वीक को आप इंजॉय करेंगे जैस ऐसे कि जैसे कि एक हॉलीडे को इन्जॉय करते हैं ठीक है सो दिस वीक इज़ कमिंग विद यू नो लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस होप्स न्यू बिगनिंग और मुझे लगता है कि आप एक नई बिगनिंग भी करेंगे इस वीक में क्यों क्योंकि एज़ पर एस ऑफ सॉट एज वेल आई लेट यू नो लेटर आपके लिए एक नई बिगनिंग आ रही है मुझे लगता है आप कहीं नया स्टार्टअप न्यू वर्क इट्स नॉट अबाउट कि न्यू वर्क आप अभी इस वीक में करने वाले हैं लेकिन आइडियाज़ या उस पर थोड़ा सा वर्क या कोई प्रोजेक्ट पर कुछ यू you नो know, जस्ट टू स्टार्टअप समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू जिसमें आप एक नया बिगनिंग देंगे ओके एंड आई एम गेटिंग दाइफ एज वेल अगर आप अपनी कुछ चीज़ को नया स्टार्ट कर रहे हैं नई होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं सो रिस्क फैक्टर बहुत है उसमें और एडवेंचरस भी है कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि अपने लिए एक रिस्क फैक्टर को तो ले कर अब चलना होगा बहुत ज़्यादा सेफ जोन में आप नहीं चल सकते सो so, कहीं ना कहीं लाइफ में यू you नो know, आगे बढ़ने के लिए हमें रिस्क तो लेने होते हैं सो यू शुड ऑल्सो लुक फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डरे नहीं अपने आप को डराएं नहीं आगे बढ़े इसके साथ साथ ये नई बिगनिंग जो मैं बोल रही थी आपको ये सब शॉड आपको मैसेज दे रहा है आपके कहीं ना कहीं से यू नो गुड प्रोजेक्ट वर्क आपकी एग्जाम का रिजल्ट या आपके लिए जॉब और मे बी एनी गुड प्रपोजल या फिर किसी पर्सन की तरफ से कमिटमेंटशिप आपके लिए इस वीक में आ रही है एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए है प्रोजेक्ट को मैंने टास्क को यहाँ बोलना चाहती हूँ आपकी लाइफ से एक नया स्टार्टअप वो किसी भी वे में इमोशनली हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो आपके लिए होगा ओके सो एज पर एस ऑफ सॉड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको जस्ट ग्रैप करनी है डोंट लूज होप उसमें पहले से ही होप को ख़त्म नहीं करें बेफिक्र होके आगे बढ़े, ओके सो अ गुड अपॉर्चुनिटी इज़ हेयर फॉर यू एंड ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी वीक होगा ओके अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स आया है आपको अपने मेहनत का आपको अपनी नॉलेज का और अपनी टैलेंट का हार्डवर्क का है यू नो सपोर्ट मिलेगा और इसके साथ साथ आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा सो so, यहाँ पर आपके लिए प्रमोशंस एंड एक हेयर आई कैन से यू नो एक स्टार्टअप जैसे आपके लिए यहाँ न्यू बिगनिंग आई है और यहाँ पर भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं इस वीक में अगर आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं ना किसी नए बिजनेस के लिए सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट दैट प्लान क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है ओके इवन आर रिलेशनशिप एज वेल सो आपके लिए रिवॉर्डिंग वीक है आपका लक फैक्टर यहाँ पे नाइन्टी परसेंट वर्क कर रहा है आपको टेन परसेंट बस आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैप करनी है अपने लिए एक्शंस लेने हैं ठीक है थीके? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप ऊपर फोकस करें अपने वर्क के ऊपर फोकस करें उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है so, सो कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग से मैं बोलना चाहती हूँ एट लास्ट हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हों सो so, कहीं ना कहीं यू यू नो आई एम गेटिंग दिस वाइव एज वेल कि आप इस वीक में उस वहाँ से हट के आगे बढ़ेंगे ओके सो दिस इज़ ऑल अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और अगर यू नो यू रियली फील सो इट्स रेजोनेटिंग सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए आपका लक फैक्टर गुड फॉर्च्यून एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स विल बी विद यू आपके साथ रहेंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको यू you नो know,

लवर्स एंड सेवन ऑफ वर्न ओके सो यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं वाइफ्स आ रही है एस पर किंग की अपनी खुद की जॉब प्रोफाइल हो या आपकी रिलेशनशिप हो कहीं ना कहीं वहां पर हर्डल्स आ रही हैं पाइसेस आपके लिए इस वीक के अंदर काफी ज्यादा यू नो यू आर गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ हर्डल्स यू नो द ट्रबल्स जिसको आपको क्रैक करना होगा जिनको आपको हटाना होगा और वो आपको एक यू you नो know, हो सकता है कि आपसे जो डोमिनेंट है वो आपके मैनेजर हो या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रहा है जो आप कर नहीं पा रहे जो आपकी विशेज़ हैं ओके सो इस वीक में आपको हो सकता है कि उनकी बातें सुननी हो उनकी उनकी तरफ से आपको कुछ व्यू पॉइंट उनकी तरफ से जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं वो अपनी बातों को रखें आपके सामने ओके सो एज पर किंग ऑफ सॉट कहीं ना कहीं डोमिनेंट पावर आपको रूल कर रही है इस वीक में इस ओके एंड द लवर सो कहीं ना कहीं ये वीक तो लवर्स वीक है फैमिली कनेक्शन इमोशंस हैप्पीनेस रिलेशनशिप यू नो उसमें आपके लिए बहुत ग्रोथ है पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं बहुत ही हैप्पी हैं और सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है कि एक मैरिज प्रपोजल या अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना ट्रैवल करना और या फिर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना आपके लिए आ रहा है सो लवर्स इज कमिंग एज ए लाइक फॉर ऑल ऑफ यू फैमिली लव पार्टनर फ्रेंड्स हर एक के लिए यहाँ पर कार्ड है इसके साथ साथ आपके लिए सेवन ऑफ वनस आया है सो सेवन ऑफ वन आपको मैसेज दे रहा है यहाँ पे आपने जैसे देखा किंग ऑफ सॉड कहीं ना कहीं अपनी यू uh, नो you know, अपने आपको एक तरीके से प्रूव करने के लिए आपको हो सकता है कि यू नो यू नीड टू टेक द स्टैंड आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना हो ठीक है और अगर जो भी लोग हैं जो आपके पॉजिटिव नहीं है आपके साथ सपोर्टिव नहीं है सो कहीं ना कहीं आपको वो ना यू नो उस नेगेटिव वाइफ को रेसिस्ट करना चाहिए दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द एक्शंस अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है अपनी जो लाइफ में जो आपके आगे की प्लानिंग है उसमें उसको फिल्टर करना ठीक है फिल्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर रेसिस्ट कीजिए जो आपके साथ में फेवर में नहीं है जो आपके लिए वेलविशर नहीं है और हो सकता है कि आपकी मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हो क्योंकि एज पर ऑल दिस कार्ड आई कैन गेटिंग द दाइफ हो सकता है मैरिज को लेके इशू चल रहा हो सो so, अपने पार्टनर के साथ अगर आपका मैरिज के प्लान्स हैं सो हो सकता है कि फैमिली की तरफ से इशू क्रिएट हो ओके okay, सो so, इस वीक के अंदर कुछ चीज़ों को लेके बहुत फेवर में है कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी सो so, आपका लक फैक्टर यहाँ फिफ्टी फिफ्टी वर्क कर रहा है आपके लिए इस वीक का जो मंत्रा है वो ये है टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके डिजायरेशंस इंडिविजुअली आप क्या कहते हैं आप क्या फ़ील करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि उसी से आपकी फैमिली लव इमोशंस हैप्पीनेस है और उसी से आपका फ्यूचर है क्योंकि एज पर किंग ऑफ सॉर्ट डोमिनेंसी सही नहीं है किसी की भी सो so कहीं ना कहीं आपको डोमिनेंसी को पावर को पीछे हटाना होगा ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइस विशिंग अ वेरी गुड लक अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड बाई लाइकिंग दिस वीडियो यू विल यू नो यू विल रिसीव द गुड लक गुड फॉर्च्यून सो इसके साथ साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और फिर मिलती हूँ एक कहना है द पिकअप कार्ड रीडिंग टिल दैन टेक केयर बाय